प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को लिया वापस। आंदोलनकारी किसानों को घर वापस लौटने की अपील। किसान संगठनों ने फैसले का किया स्वागत। तत्काल नहीं वापस होगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत बोले, और भी कई मुद्दों पर भी बात करे सरकार। कृषि कानूनों की वापसी के फैसले पर विपक्ष का तंज। राहुल गांधी ने लिखा न्याय के खिलाफ जीत मुबारक। रांची में आज खेला जाएगा दूसरा T20 महामुकाबला, इंडिया और न्यूजीलैंड में भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जयंती के मौके पर बड़ा ऐलान कर दिया और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। बीते कई महीनों से जारी किसानों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से अब घर लौटने की भी अपील कर दी है और कहा कि इस कानून को खत्म करने की प्रक्रिया शीतकालीन सत्र में शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी तपस्या में ही कमी रही होगी जिसकी वजह से हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 5 दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की मुश्किलों चुनौतियों को बहुत करीब से अनुभव किया है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है, ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मांग मान ली है और पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करते हुए किसानों से घर लौटने की अपील की। इन सबके बीच किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने संकेत दिए हैं कि वे किसान आंदोलन तत्काल वापस लेने के मूड में नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। राकेश टिकैत ने साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के साथ साथ किसानों में से संबंधित दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। तो बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल को, जो नया कृषि कानून था, तीन कृषि बिलों को रद्द कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अब इसे अविलंब रद्द कर दिया जाएगा। संसद के मानसून सत्र में, शीतकालीन सत्र में इसे रद्द किया जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत, जो कि किसान यूनियन के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अविलंब जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उसे वापस नहीं लिया जाएगा। जब तक संसद में इस कानून को रद्द ना किया जाए तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद केंद्र सरकार के फैसले पर ट्वीट करते हुए तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि यह अन्याय के खिलाफ जीत है। उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया है। तो राहुल गांधी का ट्वीट आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कृषि बिल के रद्द करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो, जय हिंद, जय हिंद का किसान।
तो प्रधानमंत्री मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। आपको बता दें कि तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि किसान की जीत, साथ ही दूसरी ट्वीट करते उन्होंने लिखा कि एकता में ही शक्ति है, यह सबों की सामूहिक जीत है। वहीं बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। साथ ही कहा कि उपचुनाव हारे तो उन्होंने पेट्रोल डीजल पर दिखावटी ही सही, लेकिन थोड़ा टैक्स कम किया है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब की हार के डर से तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कृषि बिल के हटाने के समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कृषि बिलों को वापस लिया जाएगा, कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा, उस फैसले का वे भी स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा है कि किसान की जीत है, ये देश की जीत है। और दूसरा ट्वीट उन्होंने लगातार दो ट्वीट किए, उन्होंने दूसरे ट्वीट में भी कहा है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एकता में ही शक्ति है, ये सबों की सामूहिक जीत है, बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण के खिलाफ ये हमारी जीत है। तो कृषि बिल को वापस कर लिया गया है, कृषि कानूनों को वापस अब किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफी भी मांगी है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की नेता सुहेली मेहता फोनलाइन पर जुड़ी हुई है। सुहेली जी, बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी भारत में आपका। जी धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि बिल को वापस लेने का ऐलान कर दिया है सुहेली जी, और इस पर अब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ये हार की, ये जी जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, उसमें हार के डर से प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला लिया है। देखिए प्रधानमंत्री जी देश के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रधानमंत्री जी किसी राज्य के चुनाव के ऊपर कोई भी चीज का डिसीजन नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया उत्तर में, और आज ही प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया है। इसके लिए पूरे देश को बधाई देते हैं, क्योंकि किसान अन्नदाता है, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। सभी लोग को अनाज की जरूरत होती है, बिना अनाज के कोई रह नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी देश के अभिभावक की बनती है। देश के अभिभावक हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के अभिभावक हैं सुहेली जी, देश के अभिभावक हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को लेने में करीबन सालों लगा दिए हैं। हाँ ठीक है, कोई भी कानून जब लागू करना होता है और किसी भी कानून के प्रति किसी भी तरह के निर्णय लेने होते हैं, तो ये बहुत आसान चीज नहीं होता है, स्वाभाविक है, समय लगेगा, समीक्षा होगी। अगर किसी ने कोई कानून का सोचा है लागू करने का, तो उस कानून के क्या फायदे हैं, क्या घाटे हैं, और जिस तरह से राजनीति हो रही थी कृषि कानून पर, ऐसा नहीं है कि वो कानून जो है वो किसानों के विरोध में था, लेकिन जिस तरह की राजनीति इस पर करने जाने लगी थी, और देश को चूंकि सुरक्षित रखना है और देश में काम करना है, सभी के पक्ष में। सुहेली जी, तेजस्वी यादव का ट्वीट इस वक्त हम देख रहे हैं, तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि काले कानून को वापस लिया गया है, लेकिन बेरोजगारी को लेकर हमारी जंग अब भी जारी रहेगी। अब देखिए विपक्ष के नेता को तो बोलने की आदत है, सही भी होगा तो भी बोलेंगे, गलत होगा तो भी बोलेंगे, तो उनके बोलने से और प्रति जिम्मेदार है प्रधानमंत्री जी। किसी भी राज्य की सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार होती है, न विपक्ष के बड़बोले नेता के आधार पर बड़बोले नेता की जिम्मेदार होती है। हमारा है प्रधानमंत्री जी वो निर्णय था, और कोई भी निर्णय आदमी लेता है उसकी समीक्षा होती है, और उसके बाद जनता के हित में, किसान के हित में अगर कुछ त्रुटियां होती है, कुछ भी होता है, तो ये भी प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है, और प्रधानमंत्री ने वापस इस कानून को लेने का ऐलान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेली जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जदयू की नेता सुहेली मेहता हमसे जुड़ी हुई थी और इन इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रही थी और बातचीत कर रही थी। तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि ये किसान की जीत है, ये देश की जीत है, हालांकि बेरोजगारी, निजीकरण के खिलाफ उनकी जंग बिहार में लगातार जारी रहेगी। तो तेजस्वी यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार कृषि कानूनों के विरोध में हमला किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को अविलंब कृषि बिल को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है। हालांकि आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल को वापस ले लिया है, उसका ऐलान भी कर दिया है।
और हमसे बातचीत करने के लिए कौकब कादरी कांग्रेस के नेता हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कौकब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है सर, उन्होंने कहा है कि कृषि बिल को तो वापस ले लिया गया है लेकिन हमारी जो लड़ाई है बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वो बिहार में जारी रहेगी। निश्चित रूप में सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं जिस तरह से 3 कृषि काले कानून को केंद्र सरकार ने फैसला लिया है वापस करने का, तो हम उसका स्वागत करते हैं। आज आप जानते हैं कि इंदिरा जी की जन्म जयंती है और गुरु पर्व भी है, ऐसे दिन ऐसे निर्णय का लेने का हम स्वागत करते हैं। और साथ में ये काफी दिन से हम दबाव बना रहे थे और खास के हम अपनी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को और अपने नेता राहुल जी का भी धन्यवाद करेंगे कि सड़क से लेकर संसद तक हम लोगों ने इस बात को उठाया था कि कृषि कानून को वापस ली जाए। आज एहसास हुआ है कि हम इस देश में किसान और नौजवान से नहीं लड़ सकते हैं और इसी का प्रतिफल है कि आज जो है कि आपको ये देखने को मिला कि ये निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने, अपनी विफलता को माना है और तीनों काले कानून को वापस लिया है। कौकब कादरी जी, क्या लगता है आपको, अभी इलेक्शन होने वाले हैं और 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में इससे पूर्व, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि इससे पूर्व ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए ताकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब की हार का डर उन्हें सता रहा था। निश्चित रूप में जब सरकार जन विरोधी नीति अपनाएगी और जनता के विरुद्ध इस तरह से महंगाई का आलम रहेगा, आप देखिए किस तरह से चीन हमारे टेरिटरीज में घुसपैठ बढ़ा रहा है, किस तरह से नेपाल हमारे टेरिटरीज में इंटर कर रही है, तो इन तमाम जन विरोधी जो आपका आचरण है उसके विरुद्ध तो आपको मैंडेट मिलेगा। और निश्चित रूप में इसी का प्रतिफल है कि पिछले दिनों जो उपचुनाव हुए उसमें काफी सीटों पर उनको हार का मुंह देखना पड़ा और उत्तर प्रदेश में भी इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ये अटर फेल्योर है केंद्र सरकार का और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारा और भी दबाव पड़ेगा कि जिस तरह से घुसपैठ बढ़ रहा है देश में वो भी एक चिंता का विषय है, जिस तरह से महंगाई है वो भी एक चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कौकब कादरी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस के नेता कौकब कादरी हमसे जुड़े हुए थे और इस खबर पर बातचीत हमसे कर रहे थे। तो कृषि कानूनों पर अब तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार ने इसे वापस लेने का ऐलान किया है कहीं ना कहीं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में हार के डर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान कर दिया है। तो फैसले को लेकर वही, अब इस फैसले को लेकर बिहार में भी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और इसी कड़ी में राजद के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है, यह जीवित आंदोलन का एक सबसे बड़ा परिचय है। साथ ही प्रधानमंत्री को अब समझ में आ गया होगा कि जबरदस्ती से बिना लोगों की सहमति से संसद में केवल कानून पास कराने से कानून लागू नहीं होता। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर यह फैसला लिया है कि ये तीनों काले कानून वापस, एक से एक संदेश तो गया है, एक जीवित आंदोलन, जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है। और एक और संदेश सरकार के लिए कि अहंकार हठधर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा, ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है। आपकी कार्यवाही में, आपकी कार्यशैली में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य, जन सरोकार रहने चाहिए। ये किसान आंदोलनों की सफलता है, पूरे देश को सलाम, पूरे देश को बधाई। उन्होंने कहा कि इस बिल से किसानों को काफी फायदा होता और कृषि क्षेत्र में इस कानून में सुधार होता, तो उन्होंने कहा कि बिहार के किसान एक बार फिर से कानून में पुनर्विचार चाहते हैं। इस देश के करोड़ों किसान और अनेक किसान संगठनों ने इसका समर्थन किया था। एक कोई किसान संगठन, एक खास इलाके के लोग यदि उसका विरोध कर रहे हैं तो उन्हें भी समझाने की कोशिश होगी और भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े हृदय के नेता हैं, उनका विशाल हृदय है, उनका विराट व्यक्तित्व है और मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से समूह को भी समझाने में केंद्र सरकार को और सफलता मिलेगी और इस कानून को पुनः पुनर्जीवन मिलेगा। व्यापक हित में है तो हमने तो देखा, आप सब ने देखा कि बिहार के किसानों ने इसका स्वागत किया है। सड़क पर तो राजनीतिज्ञ उतरे थे, विपक्षी दल के लोग भी उतरे थे, लेकिन कहाँ किसान सड़क पर उतार पाए और किसानों ने आगे बढ़ करके इसका समर्थन किया। तो बिहार के किसान आज भी इस उम्मीद में हैं कि इस कानून पर पुनः चर्चा होगी और यह कानून, इस कानून को
एक बार फिर पुनर्जीवन मिलेगा और यह कानून लागू होगा, क्योंकि व्यापक पैमाने पर किसानों को इससे राहत मिलने की उम्मीद। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक राजेश कुमार फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि कृषि बिल को तो वापस ले लिया गया है लेकिन उसे समझने की जरूरत है और बिहार के किसान इस पर पुनर्विचार चाहते हैं। देखिए, जिस तरह से ये कृषि मंत्री का जो बयान आया है, वो बयान आप कह सकते हैं इसकी हर तरह से आलोचना भी हो रही है। सवाल ये होता है कि जो वो कह रहे हैं कृषि मंत्री की बहुत ही अच्छा कानून था, उसके बाद फिर यही है ना कि फिर आपने वापस लिया जी। इसको लेकर आप कह सकते हैं एक बीजेपी के एक ऐसे लीडर और वरिष्ठ लीडर का इस तरह का बयान आना जो लीडर है विकल्प नहीं है। आप लोगों को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये वापस क्यों नहीं किसानों के लिए बेहतर है, उसके बाद इस तरह अचानक अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री आए, देश के नाम संबोधन उन्होंने किया और उसके बाद तीनों कृषि कानून को वापस दे दिया है। हालांकि इस पूरे मसले को अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इसको अपने तरीके से व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि समग्र इस पर विचार करने की जरूरत है। अगर इस पूरे भाषण को आप देखेंगे तो उनके अनुसार यही था कि आगे आने वाले दिनों में समग्र इस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि ये कानून जो है किसान के लिए और साथ ही साथ खेती बाड़ी के लिए काफी बेहतर है और देश के लिए भी बेहतर है। तो ये उन्होंने एक अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जैसे ही सत्र खुलेगा तीनों कानून को सरकार जो है कानूनी रूप से वापस लेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, और जैसे ही शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होगा उस वक्त इस कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कृषि कानूनों को लेकर। कृषि कानून की वापसी पर वार पलटवार शुरू हो गया है। बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है, आरजेडी विधायक का बड़ा बयान कृषि कानूनों को लेकर। इसी को कहते हैं अहंकार की हार, यह बयान दिया है तेज प्रताप यादव ने। कृषि कानूनों की वापसी पर अब बार पलटवार शुरू हो गया है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि यही अहंकार की हार है। तो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तेज प्रताप यादव का ट्वीट। उन्होंने एक आपत्तिजनक शब्द का भी प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि अहंकार की हार, इसी को कहते हैं। किसान एकता जिंदाबाद। बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हमारी एकता जीतती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। ये ट्वीट आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने दिया है। हालांकि कुछ आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग आरजेडी नेता ने किया है। हालांकि आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि तेज प्रताप यादव ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अहंकार की हार है और इसी को अहंकार की हार कहते हैं। हालांकि इतने साल लग गए हैं केंद्र सरकार को इस कृषि बिल को वापस लेने में, जिस पर विपक्ष हमला कर रहा है। हालांकि अब तीनों कृषि बिल को वापस करने के लिए ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम किसानों से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा है कि हमसे ही कोई भूल हुई है, लेकिन बाद में इस पर चर्चा होगी। तेज प्रताप यादव ने इस पर हमला किया है। वहीं तीनों कृषि कानून के वापस लेने पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कृषि बिल पूर्ण रूप से किसानों और देश के हित में ही था, लेकिन जब किसानों को ही अब कानून पसंद नहीं था तो इसे वापस लेने का फैसला देश हित में है। साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि संसद में कानून बनाकर वापस लेने पर ही आंदोलन को वापस लिया जाएगा, ऐसे लोग देश विरोधी हैं। प्रधानमंत्री का यह फैसला स्वागत योग्य है। पूर्ण तौर पर किसान और देश हित में था, लेकिन जब किसानों को ही ये कानून नहीं पसंद थे तो आदरणीय मोदी जी ने इस कानून को वापस लेने का काम किया। अब भी जो लोग किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, अब वो कहते हैं कि संसद से पारित होगा तब जाकर हम धरना खत्म करेंगे, वैसे लोग देश विरोधी हैं। जो लोग देश के साथ खड़े नहीं हैं, देश की आवाम के साथ खड़े नहीं है, चुनी हुई सरकार के साथ खड़े नहीं है, वो लोग अगर ये कहते हैं कि हमें किसान की चिंता है
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी का ये फैसला निसंदेह राष्ट्रहित में है और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। अब बात खेल जगत की। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 का दूसरा मुकाबला आज रांची में JSC स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए दोनों टीमें जयपुर से रांची पहुंच गई हैं। चार साल बाद यहां T20 मुकाबला होने वाला है और इंडियन टीम इस मैच को जीतकर JSCA में अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखने के साथ सीरीज में खिताबी बढ़त बनाने की भी कोशिश करेगी। JSCA स्टेडियम में इंडियन टीम की जीत का रिकॉर्ड 100% यानी कि 100% रहा है। भारतीय टीम ने इस स्टेडियम में अब तक 2 T20 मैचेस खेले, दोनों में ही जीत इंडियन टीम ने दर्ज की है। आरजेडी के पूर्व विधायक और एक आईएएस अफसर पर महिला ने गैंगरेप का आरोप लगा दिया है। महिला का आरोप है कि साल 2016 में आरजेडी के पूर्व विधायक ने महिला आयोग की सदस्य बनाने के नाम पर पटना आवास पर बुलाकर दुष्कर्म किया, तो महिला का आरोप है कि दोनों ने उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया, उसके बाद उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। वीडियो के नाम पर कई दफे जबरदस्ती की गई जिस वजह से वो गर्भवती भी हुई। पीड़िता ने उन दस्तावेजों को भी दिखाया है जो उसने लगातार पटना पुलिस और बिहार सरकार को न्याय की गुहार लगाते हुए भेजे। फिलहाल रुपसपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। यादव झंझारपुर MLA हैं, 2016 में थे, तो फरवरी 2016 में उन्होंने मुझे अपने आवास पे ये कहते हुए बुलाया कि मैं आपको राज्य महिला आयोग बिहार में मेंबर बना दूंगा राज्य महिला आयोग का। इसके बाद उन्होंने अपने रूम पे बुला करके रूम लॉक किया और गन पॉइंट पे मेरे साथ रेप किया। जब मैं FIR करने थाने जाने लगी तो उसने नौकर ललित को बुलाया, सिंदूर मंगवाया उससे और अपने लोगों को बुलाया, उन लोगों के सामने सिंदूर लगाकर मुझे कहा कि आज से तुम मेरी वाइफ हो, मेरे खिलाफ FIR मत करो। इसके बाद उसने मुझे वेस्टिन होटल पुणे में बुलाया कि यहाँ मैंने डिवोर्स ले लिया है अपनी वाइफ से, अब तुमसे कोर्ट मैरिज करूँगा, तुम यहीं आओ। और वहाँ उन्होंने संजीव हंस 1997 बैच के IAS ऑफिसर से मुलाकात करवाया और खाने पीने की चीज़ों में वहाँ उन्होंने वेस्टर्न होटल में कुछ मिलाया नशीली पदार्थ, मेरे साथ दोनों ने गैंगरेप किया, वीडियो बनाया और उस वीडियो से मुझे बार बार ब्लैकमेल करके दिल्ली के अलग अलग होटलों में अलग अलग टाइम पे इन्होंने बुलाया, जिस भी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो इन्होंने दोनों ने मुझे अबॉर्शन के लिए दबाव डाला। इसके बाद अब मैं इलाहाबाद आ चुकी हूँ क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ, वहाँ मैं वकालत करती हूँ। मुझे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है, अगर मेरे मैटर को तुमने डिस्क्लोज किया, मीडिया में बोला या कुछ भी कहा, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो मैं तुम दोनों माँ बेटे को जान से मार दूंगा। मुझे संजीव हंस से और गुलाब यादव से, दोनों से मेरे और मेरे बेटे का जान का खतरा है। जागोरा के साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत एक बार फिर चरितार्थ हो गई है। दरअसल दानापुर मंडल के बाढ़ मुकामा रेलखंड पर ब्रह्मपुर हॉल्ट पर ट्रेन की चपेट में मां बेटी आ गई और इस हादसे में मां की तो ट्रेन से कटकर मौत हो गई लेकिन मासूम जीवित बच गई है। हादसे के बाद रेल पुलिस ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया है। बक्सर नगर परिषद के एक सफाई कर्मी की अचानक हुई मौत की अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी की मौत की वजह शराब पीने से बताई गई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई है और तुरंत ही नगर थाना अध्यक्ष मृतक के घर पर दलबल के साथ पहुंची, तो वहीं घटना की जानकारी मिलने पर नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद भी पहुंचे और इसके अतिरिक्त NGO के द्वारा जो प्रोविडेंट फंड की जो राशि है वो भी परिजनों को प्रदान की जाएगी। साथ ही अतिरिक्त मृतक की बेटी को भी नगर परिषद के द्वारा नौकरी दी जाएगी। सुपौल के भीमपुर थाना में एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई, तो जानकारी के मुताबिक पीड़ित घर से बाहर थे और इसी क्रम में उनके घर में अचानक आग लग गई। इसके बाद आसपास के लोगों द्वारा आग बुझाने की कोशिश की गई लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका, तो वहीं ग्रामीणों द्वारा दमकल विभाग को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। लखीसराय के सदर अस्पताल से जिले के तमाम अस्पतालों में लोगों को मिलने वाली सुविधाओं का आंकलन करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम 21 नवंबर को 6 दिवसीय दौरे पर पहुंचेगी और इस दौरान केंद्रीय टीम द्वारा सदर अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों का सघन निरीक्षण भी किया जाएगा। बीत गया और पूरा राज्य कोरोना के डर में था और हम लोग अभी भी 2 लाख से ज़्यादा लोगों का टेस्ट करा रहे हैं। छठ बीत गया, अब धीरे धीरे जो हेल्थ सर्विसेज जो कोरोना की वजह से कोरोना के धक्के से पीछे चली गई थी उनको वापस पटरी पर लाने के लिए
राज्य स्तर से सपोर्टिव सुपरविजन हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ जिलों में स्थित डॉक्टरों को मदद करके उन्हें क्या गैप्स है उसको पूरा करके इनको मोटिवेट करके हम लोग स्थिति को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। को लेकर बाढ़ के प्रसिद्ध मनात गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। बढ़ती भीड़ की सूचना पर बाढ़ अनुमंडल अधिकारी सुमित कुमार, एएसपी समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारी ने उमानाथ गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था का निरीक्षण किया। कई मार्गों पर भी वाहनों का परिचालन रोका गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तीन अलग अलग तस्वीरें कार्तिक पूर्णिमा को लेकर। पहली तस्वीर पटना की, दानापुर की और फिर मोकामा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां गंगा घाट पर भारी भीड़ उमड़ी है कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान को लेकर। तो कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने से, गंगा स्नान करने से पुण्य भी मिलता है। और आप ये तीन अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, बिहार की पहली राजधानी पटना, दानापुर और मोकामा की। हम आपको तीन और अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, पटना सिटी, नालंदा और जमशेदपुर की भी तस्वीर देखिए, झारखंड की भी तस्वीर है इसमें, जहां कार्तिक पूर्णिमा को लेकर गंगा स्नान किया गया है। तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।